बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिश लेके आई हूँ फ्रूट चाट की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपनी पसंदीदा फल के साथ बना सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम फल में बनाया है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस इसको हम आलू बुखारे की चटनी के साथ बनाएंगे। आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। दार फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एप्पल लिए हैं, 2 खरबूजे लिए हैं, 6 केले लिए हैं, 4 आड़ू लिए हैं और यहाँ पे 10 से 15 दिन मैंने खजूरें ली हैं, जिसके मैंने गुठलियाँ निकाल के इसको बारीक काट लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, अब इसमें मैं बनाना काट लूँगी। इसी तरह से सारे बनाना मैं इसमें काट लेती हूँ। अब इसमें एप्पल काट लेंगे। एप्पल कट हो गए हैं, अब इस पर हम आड़ू काट लेते हैं। अब इसमें खरबूजा काट लेंगे। सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं, अब इसके ऊपर हम खजूर डाल देंगे। तो व्यूअर्स, अब सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर आलू बुखारे की चटनी डालेंगे। आलू बुखारे की चटनी की वीडियो आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये फ्रूट चाट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम फ्रूट्स में बन जाती है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारी फ्रूट चाट रेडी है। फ्रूट चाट ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।